बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सब देखने और सुनने वालों को अपने यूट्यूब चैनल मैं सिटी लैया में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम असाइनमेंट नंबर 2 है MTH 403 स्प्रिंग 2021 को डिस्कस करेंगे। इसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 10 हैं और ड्यू डेट जो इसकी 8 अगस्त 2021 है, ठीक है। और इसके अंदर इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्शन जो दी हुई हैं इसमें वो है कि आपको 32 से 34 लेक्चर पर फुली कमांड होने चाहिए, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपने अपनी असाइनमेंट को LMS के प्रॉपर LMS के थ्रू ही सबमिट कराना है, ठीक है। ईमेल बिल्कुल नहीं करना, आपने असाइनमेंट फाइल के ऊपर अपनी वीजू की जो आपकी ID होती है स्टूडेंट ID उसको भी मेंशन करना है, ठीक है। और असाइनमेंट जो आपने बनानी है उसका बैकग्राउंड कलर नहीं होना चाहिए, और इसको बनाने के लिए आपने क्या करना है, मैथ टैब को यूज़ करना है, ठीक है। आगे आए आल्सो रिमेंबर दैट यू आर सपोज द सबमिट यूर असाइनमेंट इन वर्ड, मतलब आपने अपने असाइनमेंट को वर्ड फॉर्म में सबमिट कराना है, ये जो आप स्कैन या इमेज फॉर्म में इसको या PDF फॉर्म में सबमिट नहीं कराना। अगर आप इमेज में या PDF फॉर्म में सबमिट कराएंगे तो आपको वो 0 मार्क्स देगा। इसके अंदर सिर्फ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि डायामीटर ऑफ स्फीयर हैज़ एंड पॉइंट, एक मतलब स्फीयर जो है ना उसका डायामीटर के एंड पॉइंट उसने दिए हुए हैं, ठीक है। एंड पॉइंट मतलब इसको हम ए कह लेंगे और इसको बी कह लेंगे। ए के जो है ना, जब भी हम स्फीयर की बात करते हैं दरअसल हम 3 डिमेंशन की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब ए के जो पॉइंट है 4.1.2 है, ठीक है, और बी के हमारे पास है 10.3.4 है, ये इसके एंड पॉइंट है। हमने इसकी स्टैंडर्ड इक्वीजन फाइंड करनी है, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वीजन के लिए हमें इसके सेंटर का पता होना चाहिए और दूसरा इसके रेडियस का पता होना चाहिए। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन की तरफ से जाने से पहले मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल मैसेटी लैया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी स्टूडेंट ID को मैंशन करना है और उसके बाद आपने ऊपर ये असाइनमेंट लिखनी है, असाइनमेंट नंबर 2 MTH 403 स्प्रिंग 2021, और इसके बाद स्टूडेंट ID और फिर आपने जो क्वेश्चन गिवन है वो लिखना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, उस स्फीयर का सेंटर हम फाइंड करेंगे, ठीक है। जब भी हम स्फीयर की बात करते हैं तो दरअसल हम 3 डिमेंशन की बात कर रहे होते हैं। तो ये ए है, ए इन टू 10.3.4, मतलब यहाँ पर ये X1 की वैल्यू है, ये हमारे पास क्या है Y1 की वैल्यू, और ये हमारे पास क्या है Z1 की वैल्यू है, ठीक है। और ये हमारे पास बी पॉइंट के जो हैं, ये हमारे पास X2 की है, ये Y2 की वैल्यू है, और ये हमारे पास क्या है Z2 की वैल्यू है, ठीक है। तो सेंटर के लिए जो फार्मूला हमारे पास होता है वो होता है X1 + X2/2, Y1 + Y2/2, Z1 + Z2/2, मतलब यहाँ पर हमने X1 और X2 की वैल्यू पुट करनी, Y1 Y2 की और Z1 Z2 की वैल्यू पुट की, ठीक है। 10 + क्या हो जाएगा 4/2, और इसके पास 3 + 1/2 हो जाएगा, 4 + 2/2 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। इसको हम इनका हम सम करेंगे तो ये हमारे पास 4/14/2 आ जाता है, (4/2) 6/2, ठीक है। इसको अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका सेंटर क्या आ जाता है, C=2 आ जाता है, 7.2.3 आ जाता है, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए हमारे पास जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी, मतलब सेंटर स्फीयर का हमने फाइंड कर लिया, और उसके पास इसका रेडियस यहाँ पर देखें। अब ये देखें हमारे पास क्या एक स्फीयर है, ठीक है, मतलब स्फीयर से ये एक जो सीधी लाइन होती है जो मिड में से गुजरती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसका डायामीटर होता है, ठीक है। अगर हम बात करें रेडियस की तो मिड जो हमारे पास इसका स्फीयर का सेंटर होता है, सेंटर से किसी भी पॉइंट तक जो फासला होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमने पॉइंट ए लिया था, अगर यहाँ पर हम पॉइंट बी लें जो इसका सेंटर होगा, सेंटर से अगर हम पॉइंट ए तक जाएं तो उसका वो क्या होगा, रेडियस होगा, ठीक है। तो हमने पॉइंट क्या लिया, पॉइंट ए लिया और उसका सेंटर ले लिया। तो जो रेडियस का फार्मूला होता है वो आपको याद होना चाहिए, R = होता है X1 - X2² + Y1 - Y1² + Z1 - Z2² फिर होल का क्या है, अंडर रूट है, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पर ये आपके पास 10 जो है ये X1 हो गया, और ये जो आपके पास है ना ये सेंटर है, ठीक है ना,
हम जब थ्री डिमेंशन की बात कर रहे थे तो इसके अंदर ये सेंटर है, मतलब सेंटर की वैल्यू दी हुई है, 7 है 2 है या फिर 3 है, जो ऊपर अभी हमने फाइंड किया है। तो अब आपने क्या करना है, मतलब ये आपके पास एक्स वन होगा, ये एक्स टू, ये वाई वन होगा और ये आपके पास क्या होगा, वाई टू होगा, ये जी वन होगा, ये आपके पास ये वैल्यू आपकी जी सॉरी और ये वैल्यू आपके पास क्या होगी, जी टू की होगी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ये सारी वैल्यू इसके अंदर पुट कर देनी है। तो पुट करने के बाद हमारे पास रेडियस क्या आ जाता है, मतलब यहाँ पर 10 - 7 करेंगे, फिर 3 - 2 करेंगे और फिर 4 - 3 करेंगे और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास रेडियस जो आ जाता है इज इक्वल टू हो जाता है आर 11 का अंडर रूट, ठीक है। अब जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर होता है वो हमारे पास होती है x - a होल का स्क्वायर प्लस y - b होल का स्क्वायर प्लस z - c होल का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। चूँकि हमने सेंटर फाइंड किया था वो हमारे पास क्या है, जो ऊपर अभी हमने यहाँ पर फाइंड किया था सेंटर इसका 7, 2, 3, ये जो हमने कोऑर्डिनेट फाइंड किए थे, यहाँ पर हमने क्या करना, उनकी वैल्यू पुट कर देने और आर की जगह उस आर की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा x - 7 होल का स्क्वायर प्लस y - 2 होल का स्क्वायर z - 3 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 11 अंडर रूट का स्क्वायर, ठीक है। इसको ये जो हमारे पास फार्मूला होता है a - b का स्क्वायर, उसी तरह मतलब इसको हम ओपन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x² + 2x7 + 7 का स्क्वायर, ये टर्म भी हम इसको इसी तरह ओपन करेंगे और ये भी इसको इसी तरह ओपन करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा z² + 2z3 + 3 की पावर² हो जाएगा इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से क्या हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा 11, ठीक है। तो ये 7 ضرب 2 = 14 आ जाता है, 14x हो जाएगा और ये हमारे पास 2 ضرب 2 = 4 आ जाएगा, 4y हो जाएगा और ये 3 ضرب 2 = 6 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 6z। इनको फिर हमने क्या करना है, अलग अलग कर लेना, मतलब x², y² और z² को हम अलग लिख लेंगे और जो x, y और z के होंगे उनको हम क्या करेंगे, एक साथ लिख देंगे, ठीक है। और ये जो हमारे पास हैं 49 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और 4 हो गया और 9 हो गया, इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 62 बन जाता है, ठीक है। जब अगले स्टेप पर हम 62 को राइट हैंड साइड पर तरफ ले आएंगे तो हमारे पास ये -62 हो जाएगा, तो इसमें से पॉजिटिव 11 चले जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, -51, मतलब हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाती है स्फीयर की वो हमारे पास बन जाती है x² + y² + z² + 14x + 4y + 6z इज इक्वल टू हो जाएगा -51। तो ये हमारे पास MTH 403 की असाइनमेंट नंबर 2 थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल मैथ सिटी लैया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।